Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. और कोई हमारे भाई साहब? जी मैडम. मेरा नाम हीना है. हीना. और मेरा ये मानना है कि वाइफ को साथ में नहीं रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर मैं ट्यूशंस कराती हूँ. अगर मेरे हस्बैंड मेरे बाजू में बैठे रहेंगे तो वो टोक टोक करते रहेंगे, ये मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर. तो आई विल नॉट प्रेफर. वैसे वो बिजनेस टूर्स पे जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो मेरी आदत रहती है कि ये शर्ट मत पहनो, वो पैंट मत पहनो, ऐसे शूज मत डालो. तो अगर वो मतलब अगर क्रिकेटर्स के साथ उसकी वाइफ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो बोलेंगे सबने सेम टी शर्ट पहनी, आप कुछ अलग पहन लो. उसको मना नहीं कर सकते. बीवी को लेके जाना चाहिए. ये नहीं चाहिए, बीवी को लेके जाना चाहिए. जो आदमी दुनिया में किसी से डरता वो बीवी के. क्योंकि 83 वर्ल्ड कप में 6 बीवी आ गया, 6 बीवी जीत गया हमको. लक हो गया उस टाइम में, इसका शादी नहीं हो गया, यशपाल की भी शादी नहीं हो गया. हो गया क्या? बैठे मरवाएगा. वर्ल्ड कप टाइम में आपका शादी नहीं हो गया? अरे शादी हो गया था, नहीं आ सकती थी. इन्होंने मुझे तू कंजूस है इसीलिए प्रॉब्लम है. अरे क्योंकि विश्व कप जीता उसके बाद बहुत बड़ा गिफ्ट दिया उन्होंने मुझे. हमारे घर में बेटी आई सितंबर में, इसलिए वो नहीं आ सकती थी. कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द लेडीज, बीवी को लेके जाना चाहिए, इसमें क्या फर्क है रे? नहीं, घर में इतना टोक टोक करते हैं बीवी, फिर वहां पे जाएंगे, फिर वही हाल होगा. आप हॉलिडे के लिए लेके जाएंगे ना, 20 दिन में तो पूरा टूर नहीं रह सकता है. मेरे हस्बैंड है 15-20 दिन में, इसमें क्या फर्क है आपका? मेरे हस्बैंड है, वो मुझे कभी लेके नहीं जाते बिजनेस. तो आपका हस्बैंड लेके जाएगा तो मैं क्या करूँ उसको? इधर तो वो रेड वाला बोलता है लेके जाओ. सबका लव मैरिज है इधर, ये क्या फर्क है इसमें? मेरा अरेंज मैरिज है. आपका कुछ भी नहीं अरेंज है? कुछ भी नहीं अरेंज होगा आपका. I'm with you. Keep your wife. You all don't understand. In the 83 World Cup, since the whole program of the 83 World Cup, the wives, सबका वाइफ बहुत अच्छा एंजॉय किया. ओ पबी दैट इज गमस्का का वाइफ, रोमी कपिल का वाइफ, बिकू जिमी का वाइफ, अनु का मधी का वाइफ, वो भी आ गया. बहुत अच्छा फ्रेंडशिप भी हो गया. एक्चुअली टू कट शॉर्ट, दोज हु गॉट मैरिड द डे गॉट मैरिड हमारी टीम में से, एवरी टाइम दे यू नो देयर वाइफ्स ट्रैवल्ड विद देम एंड इट वाज सच वंडरफुल टू हैव यू नो भाभीज विद अस. इट इज अ हनीमून टाइप हॉलिडे, सब कुछ भी. अदरवाइज किधर देखेगा? इंग्लैंड किधर देखेगा? ऑस्ट्रेलिया किधर देखेगा? साउथ अफ्रीका किधर देखेगा? अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया चलो लेके जाओ. ऑस्ट्रेलिया हॉलीडे की भी हॉलीडे हो गया, मैच की भी मैच भी हो गया, वर्ल्ड कप का वर्ल्ड कप भी हो गया, जीत की भी जीत भी हो गया, बाद में कप भी आ गया, सब ठीक हो गया. तो सर आप सबने वर्ल्ड कप जीत के जो हमारे भारत को हमारे देश को सम्मान दिलाया, आपकी खुशी में एक छोटा सा मुशायरा यहीं पे, तो जल्दी जल्दी आइए. शुक्रिया शुक्रिया. आज हमारी आज की ये शान क्रिकेट के लेजेंड लोगों के नाम, एक बार जोरदार तालियां इन सारे सुपर हीरो के लिए. तो मैं बताती हूँ कि एक तरफ है हमारे उच्च कोटि के प्लेयर और दूसरी तरफ है हमारे तुच्छ कोटि के तुच्छे से शायर. साइज और उम्र से अडल्ट मेरे बच्चा ज्यादा. गोरिल्ला जैसे आईब्रो वाली सपना. शादी करके भी कुमारों वाली हरकत करने वाले कपू शर्मा. और मेरे सामने तितली के सामने बहुत ज्यादा एवरेज दिखने वाली चिंगारी. एक्सक्यूज मी, मैं और एवरेज? यू नो अब तक चीका जी ने मुझे 3 बार फोन नंबर पूछ लिया और अमरनाथ जी का मैसेज भी आ गया फोन पे और किरमानी जी ने मुझे डिनर को भी बुलाया. क्या बात कर रही है? अरे एक मिनट, किरमानी जी तो मेरे को भी लंच के लिए बोले थे और मेरे को नाश्ते के लिए. एक मिनट, ऐसा लगता है किरमानी जी गरीब महिलाओं को भोजन खिलाने आए हैं.
बंद कर रहे। देखिए अगर ऐसा है तो हमको दो मिनट दे दीजिए, हम भी साड़ी पहन के आ जाएंगे, यहाँ पे चलता है। सही कह रहे सर, मेरे पति 2-in-1 है, कभी पति और कभी पत्नी नहीं, हाँ। कभी पनौती। टू मच औरत, क्यूट नहीं हो तो कम से कम क्वाइट तो हो जाओ, या तो समझ में आओ नहीं तो भाड़ में जाओ। ये चुप भाड़ू मर्द। चुप भाड़ू। सर हम एक शेर अर्ज करना चाहेंगे, तवज्जो दीजिएगा, साथ में कुछ कैश या ज्वेलरी देना चाहेंगे तो दो दीजिएगा, हम ना नहीं कहेंगे। दीजिए दीजिए। तो अर्ज किया है, आता है पतझड़ तो पेड़ों को उजाड़ देता है। वाह वाह तबाह। आता है पतझड़ तो पेड़ों को उजाड़ देता है, और जब भी होती है इसे गैस, ये लोहे की धोती फाड़ देता है। ये गैस। क्या बात है। वैसे भी हमारे शेर के बीच में आप कहां से ऐसे घुस आए, जैसे तेरे शरीर में तेरी धोती घुस जाती वैसे। हंस कह रहे, कितना घटिया शायरी बोले ले आप। शायरी ऐसा थोड़ी रहता, मैं अर्ज करेगी। कर दो। आप दोनों के लिए बोलेगी, कपल के लिए, इन दोनों के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमारी पत्नी है। इस कपल की जिंदगी का बहुत खूबसूरत है नजारा। क्या बात है, क्या बात। वाह। इस कपल की जिंदगी का बहुत खूबसूरत है नजारा, 35 है इनकी भैंसे और बच्चे है 11। लानत है नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर सपना रानी तूने बच्चों की बात की है ना, तो ले फिर सुन। बच्चों के बारे में कुछ कहते हैं सर, ये बच्चे नहीं इश्क के इजहार है। गौर फरमाइएगा, ये बच्चे नहीं इश्क के इजहार है। तुम 11 की बात करती हो, हम तो 12वें के लिए भी तैयार हैं। क्या बात है। आप रमाइए, कमिटमेंट करने से पहले जरा हमसे भी पूछ लो, हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन है कि नहीं। अब मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। वाह वाह, मजा आ गया, बात सुन के ही मजा आ गया। शेर के साथ साथ मेरे साथ निकाह भी पढ़ दो। अर्ज किया है। कबूल है। अरे भाओ, जरा बॉलर को बॉलिंग तो करने दो, कहां बल्ला घुमा रहे हो यार, रुक जाओ जरा। तेरे डकवर्थ का लुइस, तेरे रिकी का पॉइंटिंग, बीच में नहीं घुसना, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तू के बीच में घुस रहा है बे। अर्ज किया है। कर दो। परिंदों की तरह आसमान में उड़ना चाहती हूँ। Go fly. वाह, वाह। मछली की तरह लहरों से मिलना चाहती हूँ। और लोग बोलते हैं कि ये अकेले रहते हैं। कौन है रहती है? कौन रहती है? अकेले नहीं रहते हम लोग। वाह 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 वाह, मजा आ गया। ये क्या मजा आ गया। काफिया तो मिला ही नहीं, क्या से रहे यार। काफिया नहीं मिला तो कहीं रख के भूल गई होगी, मिल जाएगा काफिया का क्या। चिंगारी तुम्हारे लिए कर्ज किया है। थैंक यू। तुमसे मुझे प्यार है। वाह। रहना ना किसी डाउट में। डायरेक्ट बोल दिए। तुमसे हमें प्यार है, रहना ना किसी डाउट में, दिल में जगह नहीं है तो रख लो हमें अपने पाउट में। एक मिनट, रुको। पाउट की अगर बात हुई है तो 1983 के सारे सुपर हीरो हमारे साथ बैठे हैं, तब सर पाउट हुआ करते थे कि नहीं? पाउट क्या है जी? मुझे पता था, मैं बताती हूँ कि पाउट क्या होता है। जैसे कि आप सुबह सुबह जूस पी रहे हैं, उसमें स्ट्रॉ है, तो ऐसे कर रहे हो और अचानक से किसी ने आपका ग्लास छीन लिया, स्ट्रॉ हट गई, तो जो ऐसा रहता है ना उसको कहते हैं पाउट। तो सर मैं चाहती हूँ कि आज जो हमारे सुपर हीरो बैठे हैं, सर आप सबको पाउट करना आता है? नहीं, हमें तो आउट करना आता है जी। ये बात भी सही है। वो तो सर आप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको पाउट में भी देखना, आप जरा से कीजिए। सर आप कीजिए।
सर आप आप अरे वाह हाँ जी सर आप सर आप ओए होए सर आप तीन लोगों ने पाउट किए बाकियों ने सबने पप्पियां दी मुझे मैंने ऑल आउट देखा था आज ऑल पाउट देखे मेरे को सबसे ज्यादा श्रीकांत जी का पाउट बहुत अच्छा लगे ले एक बार करिए ना मजा आ गया क्या बात है सर आपके लिए मैं अरज करना चाहेगी करो 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 कि आग लगती है फूलों में आए वाह सर एक बार करिए ना इसे हाँ मजा आ रहा है मेरे को बहुत अच्छा आग लगती है फूलों में कि गुलाब क्यों है लाल अच्छा अच्छा आग लगती है फूलों में कि गुलाब क्यों है लाल वाय श्रीकांत जी मुझसे मसाज करवा लो चिकने कर दूंगी आपके गाल बैठे बैठे पैसा इसके बदले में एक और शेर अर्ज किया है श्रीकांत जी तवज्जो चाहूंगा मैं अर्ज किया है कि श्रीकांत जी रहने दीजिए अच्छी खासी आपकी सूरत है गाल चिकने ये क्या करेगी जिसको खुद पेस्ट कंट्रोल की जरूरत है सही कहा सही है बंदा सही बोलता है मुझे भी ना एक रोमांटिक शेर याद आ गया है अर्ज किया है श्रीकांत जी आपके लिए एक रोमांटिक शेर रोमांटिक शेर अर्ज किया है श्रीकांत जी आपके लिए कि हमारी भैंसिया ने शर्माते हुए भैंसे के कान में बोली हमारी भैंसिया शर्माते हुए भैंसे के कान में बोली क्या बोली क्या बोली तो ठीक है लेकिन क्या बोली आपको बड़ी आग लगी उनकी बात सुनने की उनकी पर्सनल लाइफ में करने दो जो करते हैं आप अपना काम करो क्या बोली क्या सिर हुआ यार बता भी नहीं रही है क्या अर्ज किया है तुम अर्ज मत करो तुम हग करो जी चाहता है कि किसी दिन तुझ पे मिट मरे वाह 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 ये तमिल शेर अर्ज किया क्या बोली आप जी चाहता है कि किसी दिन तुझ पे मिट मरे मरे वाह 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 मिट मरे मार्च आ गया इनकम टैक्स और जीएसटी टाइम पर भरे थैंक यू याद दिला दिया क्या शेर मारा तेरे आधार का पैन कार्ड क्या शेर बोला मैं भी एक पेश में शेर अर्ज करना चाहूंगी इरशाद इरशाद पैरों में पसीना आता है सोचती हूँ जूतों में जुराबे डालूं पैरों में पसीना आता है सोचती हूँ जूतों में जुराबे डालूं समझ में नहीं आ रहा कि बॉयफ्रेंड रखूं कि कुत्ता पालूं कुत्ता पाल ले सेम ही होता है चलिए कप्पू जी अर्ज किया है कि आज जितने भी लड़के लगाते हैं तेरी गली की गेड़ियां सपना तेरे लिए हाँ। आज जितने भी लड़के लगाते हैं तेरी गली की गेड़ियां हाँ हाँ। मुंह पे थूक जाएं अगर तेरी देख ले फटी हुई एड़ियां मान गए कितना डाउन मार्केट शेयर मारे ला इन्होंने हम अर्ज करते हैं सर करो अर्ज किया है इरशाद इरशाद किरमानी जी रहते हैं पीछे और स्टम्प्स इनके आगे वाह किरमानी जी रहते हैं पीछे और स्टम्प्स इनके आगे हाँ आगे आगे स्टम्प से बताया ना यार और क्या चाहिए इतना घटिया शेर बोला तेरे स्टेडियम की बाउंड्री तेरे महिला का जयवर्धन है हाँ अभी मैं एकदम रोमांटिक शेर अर्ज करती है कोशिश करो क्या बोला यार आपने इजाजत लेकर इश्क किया तो क्या किया इसको कहते शेर वाह इजाजत लेकर इश्क किया तो क्या किया क्वेश्चन मार्क हमने जिसे दिल दिया उसने किसी और को दे दिया आगे कर दिया क्या पार्सिंग द पार्सल खेला जा रहा है यार भिखारियों वाला कारोबार खोला है आगे आगे दे रहे हो शेर लोग हमने दिया किसी और को दिया और कैसे दिया कैसे भेजा ये भी बता दो यार आरटीजीएस किया के एनईएफटी किया ये क्या शेर हुआ बिना तुक्का शेर कुछ भी हमने दिया उसने और को दिया क्या दिया किसी के सर पे चढ़ा हुआ भूत उतारना है वाह
किसी के सर पे चढ़ा हुआ भूत उतारना है, उतार मुझे फ्री में हिट चाहिए, किसी को मारना है, कह रहे क्या कर दिया? मुशायरे में थोड़ी सी हिंसा होने का चांस है, हम सब मुशायरा यहीं समाप्त करते हैं। एक बार हमारे सब प्लेयर्स के लिए जोरदार तालियां। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।